केंद्र सरकार के मंत्री जम्मू कश्मीर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास संबंधित हर विषयों पर बातचीत करना केंद्र सरकार का केवल अधिकार नहीं, उनकी दायित्व है। और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी भी है, उसका सर्वांगीण विकास करना भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का लक्ष्य है। यदि मणिशंकर अय्यर को लगता है कश्मीर जाना, जम्मू कश्मीर जाना कायरता है, या पाकिस्तान में जाकर के गुपचुप बातचीत करके आना ये कोई बहादुरी का परिचय है, ये शायद मणिशंकर अय्यर ऐसे समझते हैं। पाकिस्तान जाने में बहादुरी है और अपने देश के अंदर जाना कायरता है। सर, जितने लोग CAA के विरोध में प्रदर्शन किए हैं, इससे कुछ हजार गुना ज्यादा CAA के समर्थन में पूरे देश भर में रैलियों में लोग शामिल हो रहे हैं। यदि CAA के विरोध में 1000 लोग सड़क पर आते हैं, इसके पक्ष में 10 लाख लोग आएंगे। यदि आप 10 लाख लोगों को सड़क पर लाएंगे एक राजनीतिक प्रेरणा से, हम 10 करोड़ लोगों को लाएंगे। तो ये देश की जनता CAA के पक्ष में है। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस प्रकार के प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन भारत की जनता CAA के साथ खड़ी है और CAA का अमल देश के हर इंच में किया जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम देख रहे हैं जिस प्रकार हर राजनीतिक दल कुछ कट्टर मुस्लिम समुदाय के दबाव में आकर के इस प्रकार के निर्णय कर रहे हैं। ये जो तृणमूल कांग्रेस का जो निर्णय है असेंबली में रिजोल्यूशन पास करने का, यही मुस्लिम तुष्टीकरण का और एक उदाहरण है। हमने हाल ही में देखा है महाराष्ट्र में मंत्री कह रहे हैं कि हम मुस्लिम से परमिशन लेकर के हमने वहां सरकार बनाई महाराष्ट्र में। तो एक तरह से मुस्लिम वीटो कांग्रेस में चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस भी मुस्लिम के ब्लैकमेल के कारण और तुष्टीकरण करके उनके वोट को पाने के लिए इस प्रकार निर्णय कर रही है। ये किसी असेंबली का ये अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार का के द्वारा लाया गया बिल और जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया कानून पर सवाल उठाना किसी विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यदि वो ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ये मर्यादाओं का उल्लंघन होगा और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट स्पष्ट रूप से वो लागू होगा। देखिए, कई जगह जो CAA के विरोध में महीने भर से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कुछ कट्टर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो कांग्रेस, जो CPM, जिन दलों ने अल्पसंख्यकों के, पाकिस्तान के आए हुए अल्पसंख्यकों के नागरिकता के लिए जिन्होंने हामी भरी है, दर्शकों से खुद डिमांड किए हैं, ये पार्टियों ने पार्लियामेंट में कहा है बार बार नागरिकता उनको मिलनी चाहिए, आज क्यों मुखर गए? इसका प्रथम कारण है ये कट्टर मुस्लिम कुछ लोगों की दबाव में आकर के एक मुस्लिम ब्लैकमेल के तहत कांग्रेस, CPM, तृणमूल कांग्रेस, सपा, ये सब लोग ये नाटक कर रहे हैं। यह मुस्लिम ब्लैकमेल क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये CAA तो बहाना है। शाहीन बाग में बैठे हुए किस व्यक्ति की या महिला की कानून नागरिकता छीने जा रही है? ये किसी की नागरिकता तो लेने वाली कानून है ही नहीं CAA। तो यह समझना चाहिए ये इकट्ठा सोच के पीछे क्या है। CAA केवल बहाना है, राम मंदिर इनका निशाना है। ये लोग नहीं चाहते हैं भव्य राम मंदिर बने। ये लोग, ये बाबर की सोच वाले जो कट्टर मुसलमान है, वो ये सोनिया गांधी, प्रकाश काराट, इन सबको ब्लैकमेल करके देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो इनकी असली निशाना राम मंदिर है, CAA केवल बहाना है।